हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखने वाले मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हैं 4, 10, 5, 12, 15। तो ये वैल्यू का हमें कैलकुलेट करके ये मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू फिलअप करना है, या फिर एग्जाम में कुछ इस तरह भी आ सकता है 4 × 10, 10 × 5, 5 × 12, 12 × 15। तो हमें प्रोडक्ट कैसे असाइन करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है 4, उसको हम P0 बोलेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू को P1, नेक्स्ट वैल्यू को P2, P3 एंड P4। एग्जाम में 5 वैल्यू भी आ सकती है। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू दी है तो हमें 4x4 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे 6 वैल्यू दी है तो हमें 5x5 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। और अगर इस तरह वैल्यू दी होगी तो हमें कैसे प्रोडक्ट असाइन करनी है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 4, उसको P0 बोलेंगे, 10 को P1, फिर 10 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 5 को P2, 12 को P3 और 15 को P4 प्रोडक्ट बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, असाइन कर देना है। सेकंड स्टेप में ड्रॉ द मैट्रिक्स IJ। तो इस तरफ आपको J डायरेक्शन लेना है और इस तरफ आपको I डायरेक्शन कंसीडर करना है। यहाँ पे 5 वैल्यू है, इसीलिए हम 4x4 का मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, 4 रो एंड 4 कॉलम। स्टेप 3 में हमें चेक करना है I की वैल्यू और J की वैल्यू। अगर I इज इक्वल टू J है तो वहाँ पे वो सेल में हमें 0 पुटअप करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे I1 है और J1 है, तो ये सेल में 0 वैल्यू आएगी। सिमिलरली ये सेल में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 होती है तो ये सेल में 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 वैल्यू पुटअप करना है। स्टेप 4, I less than J देखना है। अब कौन से सेल में I less than J होता है, तो ये सारे सेल में I less than J ही होगा। हमें ये सारे सेल में कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो ये इक्वेशन नीचे दिया हुआ है। अब सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इक्वेशन के हिसाब से हम ये सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1 और J होता है 2। I इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 2 है, तो हमें K की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सेल के लिए I less than equal to K होता है और less than J। I क्या है अभी, 1 और J क्या है, 2। तो K की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। हम 1 ले सकते हैं, अगर 1 लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हम K इज इक्वल टू 1 लेके ये इक्वेशन में K, I और J की वैल्यू पुटअप करेंगे। ये सेल के लिए I की वैल्यू क्या है, 1 और J की वैल्यू क्या है, 2। तो मैट्रिक्स 1, 2 सेल इज इक्वल टू मिनिमम I की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 1, K की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 1 प्लस K प्लस 1। तो K अभी 1 है तो 1 प्लस 1, J की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, PI-1 तो P0 होगा, I की वैल्यू अभी 1 है, PK, K की वैल्यू अभी 1 है तो P1 और J की वैल्यू 2 है तो P2 प्रोडक्ट होगी। ये सब वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हमें M1, 2 सेल की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें 200 वैल्यू मिलेगी। तो 200 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सेल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये सेल के लिए सबसे पहले K की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और K, I और J की वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें ये सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सेल के लिए वैल्यू है I is equal to 2 और J की वैल्यू क्या है, 3 और K हमें फाइंड करना है। तो I less than equal to K less than J, I 2 है और J 3 है, तो हम K is equal to 3 रखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। K is equal to 2 रखते हैं तो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो K is equal to 2 हम ले सकते हैं। तो I is equal to 2, J is equal to 3 और K is equal to 2 की वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। M2/3 सेल की वैल्यू हमें मिलेगी 600। अब ये सेल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये सेल की वैल्यू में I 3 है
जे फोर होगा, तो सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो के की वैल्यू हमें मिलेगी 3, आई होगा 3 एंड जे होगा 4। ये इक्वेशन में आई जे और के की वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो M3,4 सेल की वैल्यू हमें मिलेंगी 900, तो 900 यहाँ पे हम रख देंगे। अब ये सेल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये सेल के लिए आई की वैल्यू 1 है, जे 3 है, तो सबसे पहले हम के फाइंड करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे, तो जे है 3, आई है 1, तो के हम 2 रखेंगे तो भी कंडीशन ट्रू होती है, और के 1 रखेंगे तो भी कंडीशन ट्रू होती है। तो हाँ, इन दिस केस हम के इज इक्वल टू 1 लेके वैल्यू फाइंड करेंगे और के इज इक्वल टू 2 लेके भी फाइंड करेंगे, जिसमें से जो आंसर मिनिमम आएगा वो हम ये सेल में वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले के इज इक्वल टू 1 लिया और I1, J3 ये सब वैल्यू हमने ये इक्वेशन में पुटअप की और कैलकुलेट किया, तो M1,3 सेल का हमें आंसर मिला 1080। फिर के इज इक्वल टू 2 लिया, I1J=3 लिया, ये वैल्यू हमने ये इक्वेशन में पुटअप की और M1,3 सेल की वैल्यू फाइंड की, तो हमें मिला 440। तो 440 मिनिमम है, इसीलिए हमने ये सेल में 440 वैल्यू पुटअप की। अब ये सेल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये सेल के लिए आई होगा 2 और जे होगा 4। अब ये सेल में I2 है और J4 है, तो ये केस में भी K इज इक्वल टू 2 होगा और K इज इक्वल टू 3 होगा। K इज इक्वल टू 2 लेके पहले फाइंड कर देते हैं, इसमें I इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 4 और K इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हमने ये इक्वेशन में पुटअप की और सेल 2,4 की वैल्यू हमने फाइंड की, तो हमें वैल्यू मिली 1650। अब के इज इक्वल टू 3 लेके हमने मैट्रिक्स में 2,4 सेल की वैल्यू फाइंड की, तो हमको वैल्यू मिली 840। तो ये सेल में 840 वैल्यू पुटअप की। अब ये सेल की वैल्यू हम फाइंड कर दें, इसके लिए आई होगा 1, जे होगा 4, तो I 1 है और J 4 है, तो K की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 3 लेके हमें ये सेल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले K इज इक्वल टू 1 लेके हम ये सेल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैट्रिक्स 1,4 ये सेल के लिए K इज इक्वल टू 1 लिया और I 1 है, J इज इक्वल टू 4 है, तो ये सब वैल्यू हमने ये इक्वेशन में रखा और वैल्यू फाइंड की तो हमको मिला 1440। फिर के इज इक्वल टू 2 लिया, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 4 लेके ये इक्वेशन में वैल्यू रखी तो हमको मिला 1400। और के इज इक्वल टू 3 लिया और आई की वैल्यू और जे की वैल्यू ये इक्वेशन में रखी तो हमको वैल्यू मिली 1120। तो ये तीनों वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 1120, तो ये सेल में वैल्यू आएगी 1120।